Viewers, today I am going to tell you International Plastic Bag Free Day, 3rd July 2015. Since 2015, it is International Plastic Bag Free Day. Now, scientific reason for bag. And today is 3rd July, so I am making this program. I will tell you the scientific reason behind it. So, let us start. Today is International Plastic Bag Free Day. जो 3 जुलाई 2015 से अनाउंस हुआ था और उसके पीछे बहुत से साइंटिफिक रीजन है। रिस्पेक्ट आवर एनवायरनमेंट, सेव आवर अर्थ, हैप्पी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे July 3, 2015। प्लास्टिक बैग कैन टेक बिटवीन 400 टू 1000 ईयर्स टू ब्रेक डाउन इन द एनवायरनमेंट। आपको एनवायरनमेंट में प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए 400 से 1000 साल लग जाते हैं। सो से नो टू द प्लास्टिक बैग, वो प्लास्टिक बैग को आप ना बोलिए। Why plastic shopping bag should be banned? 10 reason why should we ban plastic bag. Cause of environmental pollution, environment खराब करता है। Made from fossil fuels, अब fossils के fuel से बनता है। Problematic degradation, जो भी चीजें सड़ जाती हैं उसके बनता है। प्रॉब्लमेटिक डिग्रेडेशन, उसको ख़त्म करना मुश्किल है। किलिंग वाइल्ड लाइफ, जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं वो उनको मार रहा है, वो उसको खा लेते हैं और मर जाते हैं। हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, हम लोग के लिए भी हार्मफुल है प्लास्टिक से, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। नॉट ईजी टू रिसाइकिल, उसका फिर से यूज नहीं किया जा सकता अच्छे से। हाई कॉस्ट फॉर क्लीन अप, उसको सफा करने की बहुत अधिक कॉस्ट है। कम विथ एक्सटर्नल कॉस्ट, जिसकी वजह से बाहरी कॉस्ट लगती है। बेटर अल्टरनेटिव आर अवेलेबल, लेकिन कुछ अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी कंट्री में बैन है, इसीलिए आप भी उसको बैन करिए। यू यूज़ अ प्लास्टिक बैग फॉर अ डे, बट द अर्थ टेक्स अप टू 1000 ईयर्स टू डिकम्पोज इट। सो से नो टू प्लास्टिक बैग्स। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, लेट एवरी डे बी अ प्लास्टिक बैग फ्री। आप एक दिन ही क्यों प्लास्टिक बैग को फ्री करते हैं, हर दिन आप अपना बिना प्लास्टिक बैग के बनाइए। 10 गुड रीजन वाई आर प्लास्टिक बैग बैड फॉर अस एंड फॉर द एनवायरनमेंट, क्यों हम बैग हम लोग के लिए और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। प्लास्टिक बैग्स पलूट आवर लैंड एंड वाटर। प्लास्टिक बैग्स आर मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। अब इसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, आप फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं, और क्लाइमेट में चेंज भी करता है, पानी और ज़मीन को भी इफेक्ट करता है, पलूट करता है। प्लास्टिक बैग नेवर ब्रेक डाउन, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल टू वाइल्ड लाइफ एंड मरीन लाइफ। वाइल्ड लाइफ हो चाहे समुद्री दुनिया हो, सबके लिए, सभी जानवरों के लिए हार्मफुल है। प्लास्टिक बैग्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, हम लोग के लिए भी बहुत हार्मफुल है। प्लास्टिक बैग्स आर नॉट ईजी टू रिसाइकिल, अभी हमने आपको बताया। प्लास्टिक बैग्स आर कॉस्टली टू पे फॉर एंड टू क्लीन अप। प्लास्टिक बैग्स हैव एक्सटर्नल कॉस्ट, देर आर बेटर अल्टरनेटिव अवेलेबल एंड जॉब टू गो विद देम। अगर प्लास्टिक बैग आप ना यूज़ कीजिए तो बहुत से ऐसे काम शुरू हो सकते हैं जिससे लोगों को जॉब मिले, जैसे थैला सिलना, लिफाफा बनाना, ये सारे काम शुरू हो सकते हैं। अदर गवर्नमेंट्स आर बैनिंग प्लास्टिक बैग, सो यू शुड टू और एटलीस्ट मेक पीपल पे फॉर देम। अच्छा, दूसरी गवर्नमेंट, दूसरे लोग बंद कर रहे हैं, इसलिए आपको भी उसको बंद करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने पोस्टर बनाया जिससे प्रिनोट कर रहे हैं कि इट्स पलूट नेचर, इट डजेंट डिग्रेड, इट्स हार्ड टू रिसाइकिल, इट्स मेड फ्रॉम फॉसिल्स फ्यूल्स, दे आर बेटर अल्टरनेटिव्स, इट्स हार्म्स ह्यूमन हेल्थ, इट्स हार्म एनिमल, इट इज़ कॉस्टली टू बाई एंड क्लीन। तो इस तरह से, और बीच में प्लास्टिक बैग देखिए बैन करके बनाया है कि वो पॉल्यूटेड करता नेचर को, डिग्रेड नहीं हो सकता, रिसाइकिल नहीं हो सकता, और फॉसिल्स के फ्यूल से बनता है, और इसके बेटर अल्टरनेटिव कपड़े के बैग हैं, ह्यूमन और एनिमल को अफेक्ट करता है। Why is plastic harmful? Some of these compound has been found to alter hormones or have other potential human health effect. Plastic debris laced with a chemical and often instigate
ingested by marine animal can injure or poison wildlife. अब बहुत से ऐसे हार्मोन्स जो हैं उनको वो अल्टरनेट कर देता है, अल्टर कर देता है, जिससे कि आपके ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस है और एनिमल्स को भी वो इंजर्ड करता है. एनिमल्स प्लास्टिक में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते. प्लास्टिक बरीड डीप इन लैंड फिल कैन रीच हार्मफुल केमिकल्स एंड स्प्रेड इन टू ग्राउंड वाटर. अब जो पानी में जाकर वो नीचे बाहर होने की वजह से नीचे जाकर डूब जाता है और केमिकल प्रोड्यूस करता है जो जमीनी पानी के लिए बहुत ही खतरनाक है. एयर प्लास्टिक बॉटल्स बैन इन इंडिया. द बैन वॉज फ्रॉम फॉलो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2018 कमिटमेंट टू एलिमिनेट सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2020. नरेंद्र मोदी ने 2018 में ही बॉटल्स को बैन किया था प्लास्टिक को और कहा था कि 2022 तक हम इसको टोटली हटा देंगे. The ban which targeted plastic bags, cups, plates, small bottles, straws and plastic pouches. ये सारी चीज़ें बैन की गई थी. Was expected to cut annual plastic consumption by 5-10% according to Indian officials. और कोशिश की जाएगी 5-10% कट जाए. What are the 7 type of plastic? The 7 type of plastics are polyethylene, terephthalate, high density पॉलीथीलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टेरीन और स्टायरोफोम और अदर्स. इस तरह से 7 तरह की पॉलीथीन है जो कि यूज हो रही हैं. सेवरल स्टेट एंड यूटी एस हैव इंट्रोड्यूस नोटिफिकेशन कंप्लीटली बैन्स बैनिंग प्लास्टिक कैरी बैग्स और सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम सच एज फूड पैकेजिंग कटलरी एक्सेट्रा. पॉलीविनाइल क्लोराइड अ प्लास्टिक पॉलीमर इज अ नॉन बायोग्रेडेबल मटीरियल एंड इफ बर्न रिलीज टॉक्सिक फ्यूम सच एज डाइऑक्सिन प्यूरेन. अब पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है ये पॉलीथीन जो होता है जिसमें प्लास्टिक पॉलीमर से बना होता है और नॉन बायोग्रेडेबल मटीरियल से बना होता है और जब इसको घर जलाया जाता है तो वो टॉक्सिक धुआं प्रोड्यूस करता है जो सच एज डाइऑक्सिन प्यूरेन नाम के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो बहुत ही एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है. हाउ मेनी एनिमल्स डाई फ्रॉम प्लास्टिक. द प्रॉब्लम ओवर 1 मिलियन मरीन एनिमल इंक्लूडिंग मैमल्स फिश शार्क टर्टल एंड बर्ड्स आर किल्ड ईच ईयर ड्यू टू प्लास्टिक डेबरीज इन द ओशन. इतना ज़्यादा प्लास्टिक समुद्र में इकट्ठा हो गया है कि जिससे कि सारे जानवर उसमें मरे जा रहे हैं. यूनेस्को फैक्ट एंड फिगर ऑन मरीन पोल्यूशन. करेंटली इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर 100 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इन ओशन अराउंड द वर्ल्ड. अब पूरे दुनिया में कम से कम 100 मिलियन प्लास्टिक समुद्र में इकट्ठा हो चुकी है. अब ये देखिए कैसे जानवर प्लास्टिक में कैप्चर हो जाते हैं और फंस जाते हैं और उनको अफेक्ट करती है प्लास्टिक और वो मर जाते हैं. ये देखिए ग्लव्स के अंदर मछली फंसी हुई है. ये यहाँ पे ये देखिए सील मछली फंसी हुई है. ये केकड़ा है और ये सील मछली, ये फिश, सब ये सब देखिए केकड़ा प्लास्टिक के ग्लास में फंसा हुआ है. कछुआ सबसे ज़्यादा मर रहा है क्योंकि वो हैवी भी होता है और नीचे समुद्र में चलता है और उसके बाद वो ये देखिए जाल में फंसा हुआ है, प्लास्टिक में फंसा हुआ है, लोग उसको छुड़ा रहे हैं. इसके अलावा वाइल्ड एनिमल और मैमल्स भी इससे अफेक्टेड है. देखिए भालू जो है प्लास्टिक के पास है, फिर बर्ड्स हैं, बर्ड्स बहुत ज़्यादा ये देखिए प्लास्टिक में फंसी हुई है. ये यहाँ पर इसके चोंच में देखिए कुछ कील घुस गई है, ये प्लास्टिक खा रही है, ये सब खा पी के ये लोग मर जाते हैं. ये देखिए बच्चा फंसा हुआ है जाले में और ये इसके चोंच में देखिए ग्लास फंस गया है. तो इस तरह से बर्ड्स भी बहुत अधिक मर रही हैं. इन प्लास्टिक वेस्ट, व्हाट इज अ प्लास्टिक वेस्ट. प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक पोल्यूशन इज द अक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, प्लास्टिक बॉटल एंड मच मोर इन द अर्थ एनवायरमेंट. द एडवर्सरी इफेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड ह्यूमन.
अब ये जो प्लास्टिक जो है वो वाइल्ड लाइफ की आदतों को और ह्यूमंस को इफेक्ट कर रही है। ह्यूमंस में क्या है, हम सब्जी लेने जाएंगे, कोई सामान लेने जाएंगे, सब कुछ हम लोग प्लास्टिक में ही लाते हैं, हमारे हाथ जैसे प्लास्टिक के लिए बन गए हैं। अब ये देखिए, आप जो प्लास्टिक खाते हैं उसके पार्टिकल धीरे धीरे हाथ में इकट्ठा होते जाते हैं। ये आपकी आँख है जो दिखा रहा है वो कि कैसे हाथ में प्लास्टिक इकट्ठी हो रही है। ये आदमी देखिए प्लास्टिक के टॉय में फंस गया है, यह बच्चा इसमें प्लास्टिक में फंस गया है। तो प्लास्टिक ऐसी खराब चीज है जिसमें से जल्दी निकला भी नहीं जा सकता है, तो कोशिश करिए कि इसको अवॉइड करिए। ये बीच में जो दिखा रहा है ये प्लास्टिक फ्री मार्केट है जहाँ पर हर चीज बिना प्लास्टिक के यूज होती है। हाउ कैन वी अवॉइड प्लास्टिक, टिप फॉर द रिड्यूसिंग अवर प्लास्टिक कंजप्शन, अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक सच एज अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, पीने वाला स्ट्रॉ जो है वो भी प्लास्टिक में आता है, उसको भी हटाइए। इफ यू गो शॉपिंग रिमेंबर टू टेक द क्लोथ बैग, जाइए तो कपड़े का बैग लेके मार्केट जाइए। रिसाइकलिंग च्युइंगम जो आप खाते हैं वो भी प्लास्टिक, इट ऑल्सो मेक ऑफ प्लास्टिक बट मोर बल्क फूड एंड फ्यूअर पैकेज्ड प्रोडक्ट, रिप्लेस प्लास्टिक टपरवेयर फॉर ग्लास और स्टील कंटेनर। अब आप प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए स्टील कंटेनर या ग्लास यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक फ्री फ्यूचर, चेंज अ हैबिट, डोंट ब्रिंग द थिंग्स ऑन अ प्लास्टिक पैकेट, से नो टू द प्लास्टिक बैग एंड यूज योर रीयूजेबल बैग लाइक पेपर बैग और क्लोथ बैग। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस टॉपिक please share and subscribe and increase your knowledge regarding to the plastic bags and be promised to from today that you won't use the plastic for further use. Thank you. If you like it then please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link for further view of this type of video, and then join my telegram channel to get more help from there. Thank you viewers. This is all today. If you like it, please share and subscribe.